क्रिएटिव कृष्णा एंटरटेनमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ज्योति, आपका जो एंटरटेनमेंट का ये स्टूडियो है, लगभग कितने टाइम से आप लोग चला रहे हैं इसे? ऑलमोस्ट मुझे 15 इयर्स हो गए अकाउंट करते इस सेम प्रोडक्शन हाउस में। एंड काफ़ी है दिल्ली में। ऑलमोस्ट हमारा एक एम है कि जो दिल्ली के कुछ हिडन टैलेंट हैं, एटलीस्ट हम उनको ग्रूम करें और एक प्लेटफॉर्म, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म तो दें, बाकी स्टूडेंट डिजर्व जो उनका डेस्टिनी में होगा अकॉर्डिंग टू टैलेंट दे विल मैनेज। जो थी प्रोडक्शन हाउस खोलने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्यों आपको लगा कि एक प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए जिसमें बच्चों की जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको कहीं ना कहीं दिखाने की मतलब आप कोशिश कर रही हैं? शायद बचपन से मेरा पैशन था कि एक्टिंग के लिए, जब सीरियल्स देखते थे, मूवी देखते थे, तो ऑलमोस्ट ये होता था कि ये कर रहे हैं, किस तरीके से आगे पहुंचते हैं ग्रूम को, कहीं ना कहीं मेरा भी इंटरेस्ट था इसमें। बट कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था मेरा भी, बट उसके बाद मेरे माइंड में कहीं जहन में एक क्वेश्चन आया कि क्यों नहीं, जैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ या और बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे वो स्ट्रगल करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिल्ली में खास करके प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो शायद एक प्लेटफॉर्म, एक प्रॉपर एक प्रोडक्शन हाउस हम लोग ओपन करें जिसमें बच्चों को प्लेटफॉर्म दे, और एक सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत चीज़ें होती हैं आपको पता ही नहीं है हाउ टू गो इन दिस फील्ड, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे ऑडिशंस दे रहे हैं, कहाँ जाना है कहाँ जाना है, गाइडेंस नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता ही जो कैंपेनिंग वगैरह सब चल रहा है वो किस लिए चलता है, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है स्पेशली फॉर द गर्ल्स। अभी आपके प्रोडक्शन हाउस में लगभग कितने बच्चे हैं जो क्लासेस लेते हैं एक्टिंग की, और इसके अलावा और किस किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई जाती हैं? यहाँ पर आपका प्रॉपर जो एक फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट बैचेस चलते हैं, तो एक बैच में नियर अबाउट 20 स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, बट वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, ऑलमोस्ट हम उनके लिए कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ उनको ब्रेक भी दिया जाए इस इंडस्ट्री में। 15 साल की अचीवमेंट क्या है यहाँ से निकलकर, कुछ बच्चे क्या किसी सीरियल्स में पहुँचे हैं या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं, किस तरह की अचीवमेंट रही? पहुँचे हैं अभी यहाँ से, लाइक अभी मोहक खुराना है, अभी उन्होंने काफ़ी शोज़ भी किए हैं, अभी उनका अग्निफेराइन टीवी पर चल रहा था वो शो है। उसके अलावा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि न्यू कमर्स को लेकर मैंने अभी लास्ट मार्च में एक मूवी रिलीज़ की है ऑल ओवर इंडिया, और मोस्टली 20 स्टूडेंट्स जो थे हमारे स्टूडेंट्स ही थे हमारे जो इंस्टीट्यूट के क्रिएटिव कृष्णा से जिन्होंने सीखा है, उनसे कोई कमिटमेंट नहीं दे, बट वी फील कि उनके अंदर टैलेंट है, अगर हम खुद उनको ब्रेक नहीं देंगे तो किसी और से तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। और बाकी ये है कि सब टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इस लाइन में कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी कुछ बना पाए, बट ये है कि एक गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे मतलब प्रोडक्शन हाउस चलते हैं दिल्ली में, अगर मैं बात करूँ कि क्रिएटिव कृष्णा में बच्चे क्यों आए तो आप क्या कहेंगी? क्रिएटिव कृष्णा में बच्चे इसलिए आए क्योंकि मोस्टली जो एक एक्टिंग की बारीकियां हैं और जो आगे उनको इंडस्ट्री में जाना है, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे फेक कमिटमेंट तो ये नहीं कर सकती कि यहाँ और हम लोग स्टार बना देंगे, वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप जो काम करना चाहते हो एटलीस्ट उसको हम आपको अच्छे से बारीकियां समझा सकते हैं। कोई हमारे इंस्टीट्यूट में कोई लिमिटेड कोर्स नहीं है, लाइक अगर हमें लगता है कि कुछ टाइम पीरियड का कोर्स है उसमें बच्चे रेडी नहीं है, हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, इट्स नॉट लाइक ए मनी मेकिंग कि जब तक वो आते रहें, वो चीज़ नहीं, क्योंकि हमें बच्चों के अंदर वो टैलेंट निकालना भी बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं हम उनको गाइडेंस सही देंगे, बाकी सबकी डेस्टिनी सबका लक है, टैलेंट है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल, अगर आप भी एक सफल अभिनेता या अभिनेत्री बननी चाहती हैं और आप अगर एक्टिंग की बारीकियों को सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी क्रिएटिव कृष्णा एंटरटेनमेंट में आ जाइए और यहाँ पर लगने वाली एक्टिंग की क्लासों में शामिल हो जाइए, क्योंकि आप भी बन सकते हैं एक सफल अभिनेता या अभिनेत्री। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं चेतना चौधरी, नेशनल लाइव दिल्ली।